बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या के नाबद व या के नस्ताइन। मैं आज, मुझे एक तरह खुशी है इस अफसोसनाक वाकया के बाद कि एक ऐसा इंसान जिसने हम सबको, हमें फ़ख्र हुआ इसको देख के जिस तरह इसने पूरी कोशिश की एक जान बचाने के लिए। पहले तो मैं ये अदनान आपको ये कह दूं कि देखें, मुल्क में बहुत ज़रूरत होती है रोल मॉडल्स के लिए, क्योंकि रोल मॉडल का मतलब होता है कि लोग फिर उनको फॉलो करते हैं। जब आपकी वो, हमने देखा वो उस अफसोसनाक और शर्मनाक वाक्य पे कि जिस तरह आपने कोशिश की उसकी जान बचाने के लिए, तो ये सारे जो भी लोग देख रहे थे, जिन्होंने भी सुना, सबको एक एहसास हुआ कि हाँ, एक इंसान है जो राय हक पे खड़ा है। एक अंग्रेजी का फ्रेज है कि वन मॉरल मैन इज एन आर्मी। जो इखलाकी कुव्वत होती है वो जिस्मानी कुव्वत से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। तो इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि ये आपको, हमारे जो यूथ है वो आपको देखेगी और इंशाल्लाह याद करेगी कि एक ऐसा भी आदमी था जिसने हैवानों के सामने खड़ा हुआ, कि एक इंसान था जो हैवानों के सामने खड़ा हुआ। मैं ये आज वाज़े कर दूं कि मैंने ये फैसला किया है कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। एक वो इंसान जिसको अल्लाह ने खिताब दिया रहमतुल आलमीन, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, वो रहमत सिर्फ बन के आए थे, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया था। पहले उन्होंने वो कबीलों को इकट्ठा किया जो आपस में लड़ते थे, उनको पहले इकट्ठा किया। फिर ये लोगों को इल्म भी नहीं है कि लोग समझते हैं जी वो तलवारों से उनका पैगाम गया दुनिया में। 10 साल के अंदर, सिर्फ 10 साल में सिर्फ 1400 लोग मरे थे टोटल, जबकि वो सारे अरब के ऊपर छा गए थे। फिक्री इंकलाब था, वो मोहब्बतों की मैसेज लेके आए थे, लोगों को इकट्ठा करके इकट्ठा किया उन्होंने। उनकी, उनका जो पैगाम था वो दो चीजों पे था, इंसानियत और इंसाफ पे। इस दो, ये दो चीजों पे, बल्कि ये दो सिफतें हैं जो इंसान को जानवरों से फर्क करती हैं। जानवरों में जंगल का कानून है, माइट इज राइट, जो आपने वो तमाशा देखा था वहां। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है और जानवरों के माशरे में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या आप देखते हैं ये जब जानवरों के प्रोग्राम्स ये नेशनल ज्योग्राफिक पे देखते हैं तो कमजोर के लिए कोई जगह नहीं होती जानवरों के माशरे में। इंसानों के माशरे में इंसानियत होती है कि वो इंसान की, कमजोर की कदर करता है, और जितना माशरा में इंसानियत होती है उतनी वो माशरा अपने कमजोर तबके को उठाता है। और जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत पे पहली फलाई रियासत बनाई थी दुनिया की तारीख में, सारे कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली थी, रहम था और दूसरा इंसाफ कायम किया था। और जो हम यहां तमाशा देख रहे हैं कि यहां अपने आप को लोग दीन के नाम पे जल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं,
और ख़ास तौर पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी शान में गुस्ताखी कर किसी ने कर दी, किसी को इल्ज़ाम लगा दिया, वो बेचारे को पकड़ के जेल में चला गया, ना कोई वकील उसके लिए खड़ा होता है, ना कोई जज उसके ऊपर फैसला करता, वो जेल में बेचारा रह जाता है। ये दुनिया की किसी भी इंसानी माशरे में ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा इंसाफ है कि आपने इल्ज़ाम लगाया और आपने ही इल्ज़ाम लगाया, आपने जज ही बन गए और आपने उसे कत्ल कर दिया? ये तो किसी माशरे में नहीं होता। तो ये तो तमाशा बन गया हमारे माशरे में, सब डरते हैं। एक दफा किसी ने कह दिया जी इसने उनकी शान में गुस्ताखी की है, सब डर जाते हैं, कोई बात ही नहीं करता। वो सबसे बड़ी बात, वकील ही सामने नहीं आता। और जजेस, हम जजेस ने, हमें पता है कि जजेस ने कहा नहीं जी हम ये केस ही नहीं सुनते, तो उसे कौन डिफेंड करेगा? तो ये जिस तरह एक बड़ा खौफनाक वाकया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल में, जब जब हमारे तकरीबन 150 बच्चों को शहीद किया गया था, तो उसके बाद सारे मुल्क में एक गुस्सा आया दहशतगर्दी के खिलाफ। और आप देख लें कि तब से जो ये 2014 दिसंबर में गालिबन था, उसके बाद दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान जीता। उससे पहले इस तरह का मुल्क इकट्ठा नहीं था उसके पीछे। मैं समझता हूँ आज सारा पाकिस्तान ने जो तमाशा देखा है, सारा पाकिस्तान आज ये फैसला कर बैठा है कि हमने अब इस तरह के वाकया इस मुल्क में नहीं होने देने। मुझे सियालकोट की जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने आज मुझे पैगाम भिजवाया कि वो $1,00,000 उन्होंने इकट्ठा किया है प्रियंका साहब के लिए, उनको उनकी फैमिली को भिजवाएंगे, और उसकी तनख्वाह हमेशा के लिए वो देंगे, हर जो महीने की उसकी तनख्वाह। मैंने ये जो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, ये इस क्यों बनाई थी? क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये खौफ आना शुरू हुआ कि हम अब सारी तकरीबन कौम आशिक रसूल है, हम सब अपने आप को कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, लेकिन आशिक रसूल हैं तो उसको साबित आप ऐसे कर सकते हैं कि उनकी सीरत पे चले, उनके रास्ते पे चले। उनका रास्ता किधर है, कौम किस तरफ जा रही है, ये जो हरकतें हैं, ये जो भी आपने अगर उनकी जिंदगी, उनकी पूरी तारीख पढ़ लें, उनकी जिंदगी पढ़ लें, उनकी सीरत समझ लें, कोई भी ऐसी हरकतें ना करे उस माशरे में। और इसलिए हमने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई कि अपने उलमा को सबको इकट्ठा करें, एक सारों को स्कॉलर्स को इकट्ठा करें, और एक मुल्क के अंदर अपने बच्चों को कॉलेजेस में डिबेट्स करवाएं, उनकी जिंदगी की तो बताएं कि उनकी जिंदगी थी क्या, बच्चों को हम बच्चों को बताएं कि उनकी जिंदगी क्या थी। जिसने ईमान किसी में आना या नहीं आना, ये तो खैर अल्लाह का तोहफा है इंसान पर, लेकिन कम अज कम हम माशरा बता तो सकें अपने लोगों को कि वो उनकी जिंदगी थी क्या। वो जो दुनिया के सबसे अजीम शख्स, जिसको चाहे मुसलमान आप हैं या नहीं हैं, उनको 100 ग्रेटेस्ट मैन में उनको सबसे अजीम इंसान, जो मुसलमान भी नहीं है, जो उसने जो किताब लिखी, नंबर वन दुनिया का ग्रेटेस्ट मैन अचीवमेंट्स में, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम उनकी जिंदगी तो बताएं अपने बच्चों को कि क्या वजह थी वो अल्लाह ने उनको अपना हबीब कहा था कुरान में, क्या वजह थी कि अल्लाह ने सब इंसानों के लिए उनको कहा था कि ये रहमत बन के आए हैं। तो स्टडी तो करें उसको, और वो हम जब हम करेंगे तो ये जो नफरतें फैलाते हैं हम अपने, तकसीम करते हैं लोगों को, वो फलाना काफिर है, वो उसके ऊपर फतवे लगा देते हैं। एक सहाबा जंग के दौरान, वो जब एक काफिर को मारने लगे, जब जंग यानी लड़ाई हो रही है, तो जब मारने लगे तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, तो उन्होंने फिर भी उसको मार दिया। 3 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बात नहीं की, कहा कि उसके तुमने दिल चीर के देखा था कि वो सच बोल रही है नहीं। यानी ये तो इंसान को उन्होंने दिया ही नहीं है कि हम फैसला कर दें, ये फलाना काफिर है, फलाना काफिर है। और इसलिए हमारी तालीम बहुत जरूरी है,
मैं जितना भी सोचता हूं अब इस मुल्क की अखलाकियात उठाने में, लोगों को यूनाइट करने में, और यूनाइट का मतलब फिर सब इंसानों को यूनाइट करने में, ये बहुत जरूरी है कि हम सही माने में हम ये मुल्क, हमारा वाहिद मुल्क था जो बना था इस्लाम के नाम पे, ये वाहिद मुल्क था जिसका नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये उसलिए मुल्क बना था। और हम, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरह की जो हरकतें हुई हैं, सारी दुनिया से मुझे पैगाम आता है, जो हमारे पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए थे, जो इतनी, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा है, 90 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे, इतने मुझे मैसेजेस आए कि वो इतने शर्मिंदा थे इससे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए जब वो देखा कि ये इस्लाम के नाम पे हो रहा है। जो बाहर लोग बैठे उनमें क्या पता इस्लाम क्या है, उनको तो जब ये हरकतें देखते हैं तो वो तो इस्लाम से दूर चले जाते हैं। और फिर पाकिस्तान को अलहदा बदनामी इससे हमें जो उठानी पड़ी है। तो मैं आज फिर से मलिक अदनान आपको अपने मुल्क की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमें इतने मुश्किल जो हमें तकलीफ थी, जो देख के जो उस हजूम ने किया है, जो आपको एक आदमी को देख के तो लोगों को बड़ा इंसानियत के अंदर हमारा इत्माद बढ़ा देख के कि हाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं कि अपनी जान को खतरे में डाल के किसी को बचाने की कोशिश की। तो हम, मैं आपको इंशाल्लाह तगमा शुजात भी जब हमारी सेरेमनी होगी 23 मार्च को वो भी दिलवाएंगे। और मैं चाहूँगा कि हम आपको, लोगों को दिखाएं कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी हमारे पाकिस्तानी हैं, ये ऐसे जब ये मुल्क की बुरी पिक्चर पेंट करते हैं। और मैं देखा कि हिंदुस्तान में इसको बहुत उठाया गया, और मुझे ये भी तकलीफ़ है क्योंकि हम जब हिंदुस्तान में देखते हैं, जो कि जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, जो मुसलमानों से वो करते हैं, वहाँ उनको इस तरह की जो मॉब लिंचिंग जिसे कहते हैं, वहाँ पकड़ के सड़कों पे मार दिया कि जी गाय का गोश्त किसी ने खाया, किसी को किसी वजह से मार दिया, हमें कितनी तकलीफ होती है देख के। तो जब ये होता है तो वहाँ से वो उनकी टीवी के ऊपर बड़े प्रोग्राम है कि देखिए जी ये भी यहाँ भी ऐसा ही होता है, यहाँ ऐसे नहीं होता। और ऐसे इंशाल्लाह मैं आपको, जब तक मैं जिंदा हूँ, इंशाल्लाह ऐसे नहीं होने देंगे आगे से।